أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. मोहतरम सामाईन, ये बात मुसल्लम है कि किसी भी कौम और माशरे को उसी वक्त तरक्की मिल सकती है जब उनके पास अमन व अमान जैसी नेमत और दौलत मौजूद हो। जिस कौम के पास अमन व अमान न हो वो कौम, वो मुआशरा कभी तरक्की की मंजिलों तक नहीं पहुंच सकता। जहां तक बात दीन इस्लाम की है तो दीन इस्लाम दीन अमन है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस दीन में अमन व अमान को हर नाहिये से जगह दी है, बल्कि इस्लाम का नाम ही अमन व अमान पर दलालत करने वाला है। और इस दीन के जो शायर हैं उनमें के अक्सर शायर अमन व अमान ही की तरफ इशारा करते हैं। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सबसे जामे मिसाल हो सकती थी वो देते हुए कहा कि मोमिनों की मिसाल आपस में एक दूसरे के साथ नरमी भाईचारगी में इस तरह है जैसे सारे के सारे मोमिन एक जिस्म हो। अगर जिस्म के किसी हिस्से में कोई तकलीफ़ हो या कोई कांटा चुभ जाए तो उस एक हिस्से की वजह से सारा जिस्म बेचैन हो जाता है, सारे जिस्म में तकलीफ़ और गर्माहट महसूस होती है और सारा जिस्म उस एक हिस्से की वजह से रात जागते हुए गुजारता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अमन व अमान वाले मुआशरे की बेहतरीन मिसाल दी। वो मिसाल ये है कि सारा मुआशरा एक जिस्म की मानिंद हो और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला से अमन व अमान ही की दुआ करते। अब बारहा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिर रौआती, इलाहुल आलमीन जो हमारे उयूब हैं तो उसे ढाक कर रख, हमारे खौफ को अमन से बदल दे। खौफ अमन की ज़िद है, सुकून की ज़िद है। जहाँ खौफ हो वहाँ अमन नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहु व तआला से इसी चीज़ की दुआ किया करते थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ हर माह तजदीद की शक्ल इख्तियार कर जाती। जब नया चाँद देखते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिलयमन वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम। ये दुआ अमन व अमान पर दलालत करने वाली है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजाक में भी किसी मुसलमान को डराने से मना किया। रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम समेत बहुत से सहाबा ग़ज़वे पर निकले हुए थे। एक सहाबी की आंख लग गई, दूसरे सहाबा ने उनकी रस्सी उनके पास से ले ली ताकि उन्हें डराया जाए, इस रस्सी के ज़रिए इन्हें सताया जाए। जब उनकी आंख खुली तो वो साहबी डर गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरव्विआ मुस्लिमन, किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपने मुसलमान को डराए, उससे अमन छीनने की कोशिश करे। बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अमन व अमान इस दुनिया की अज़ीम नेमत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फ़ी सिरबिह मुआफ़न फ़ी जसदिह व इंदहु क़ूतु यौमिह फ़कअन्नमा हईजत लहुद्दुनिया बेहज़ाफिरीहा। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम में से जो आदमी अमन व अमान के साथ अपने बिस्तर में सुबह करे, उसके पास एक रोज़ का खाना मौजूद हो, जिस्म सही सालिम हो। आप अलैहिस्सलाम कहते हैं फ़कअन्नमा हईजत लहुद्दुनिया बेहज़ाफिरीहा, गोया के दुनिया ने अपने सारे ख़जाने इस इंसान के सामने डाल दिए। जिस्म सही सालिम हो, एक दिन का खाना मौजूद हो और बिस्तर में अमन व अमान के साथ हमारी आँख खुल जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम में से हर इंसान पर कितना एहसान है कि करीबन करीब ये तीनों ही नेमतें बिफ़ज़लिही तआला हमारे पास मौजूद हैं, और इन तीनों नेमतों के साथ तकरीबन हर रोज़ ही हमारी आँख खुला करती है। इस तमहीद का ख़ुलासा यही है कि अमन व अमान तरक्की का जीना है, लेकिन किसी भी कौम को अमन व अमान उसी वक्त मिल सकता है जब उस कौम की 5 चीज़ें महफूज हों। अगर इन 5 चीज़ों में से एक चीज़ भी महफूज ना हो तो वो कौम कभी अमन व अमान के रास्ते पर नहीं चल सकती। 5 चीज़ें क्या हैं? उनका दीन महफूज हो, नफ्स महफूज हो, अक़्ल महफूज हो, नस्ल महफूज हो और माल महफूज हो। ये 5 चीज़ें शरीयत इस्लामिया ने इसे अद-ज़रूरियात अल-ख़म्स का नाम दिया है, 5 बुनियादी ज़रूरतें। और इसी मौजू पर बिइज़्निही तआला आज से हमारी गुफ्तगू शुरू होगी कि इंसानी ज़िंदगी की 5 बुनियादी ज़रूरतें। पहली ज़रूरत है दीन। दीन का महफूज रहना बेहद ज़रूरी है। अगर दीन महफूज ना हो तो इंसान की दुनिया भी तबाह हो बर्बाद हो जाएगी और उसके आखिरत के तबाह हो बर्बाद होने में किसी तरह का शक व शुबा नहीं होगा। जब दीन महफूज ना हो तो इंसान अपने अक्ल की बुनियाद पर दीन बनाने की कोशिश करता है। जब अक्ल की बुनियाद पर दीन बनता है तो नतीजा क्या निकलता है कि कभी सती की शक्ल हमारे सामने आती है कि मर्द मर जाए तो उसके साथ उसकी औरत को भी मार दिया जाए, तो कभी कोई दूसरी बदतर शक्लें हमारे सामने आने लगती है, इसलिए कि इंसान ने अपनी नाकिस अक्ल की बुनियाद पर दीन बनाने की कोशिश की। अब मामला इससे भी ख़तरनाक और इससे भी अबतर उस वक्त हो जाता है जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत खो बैठे और अल्लाह की पहचान अपने अक्ल की बुनियाद पर बनाने की कोशिश करे। जब आदमी अपने अक्ल की बुनियाद पर रब को पहचानने की कोशिश करता है बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी सही दीन के, तो नतीजे में वो रब के नाम पर 10 सर दे देता है, रब के नाम पर 10 हाथ दे देता है, रब के नाम पर अजीब व गरीब शक्लें बनाने लग जाता है। और कभी कभी मामला इससे भी अबतर उस वक्त हो जाता है जब वो पत्थरों को पूजने लग जाता है, हर चीज़ में रब की शक्ल ढूंढने लग जाता है। इस सिलसिले में अबू रजा अतारदी रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मक्का में हमारा मामला ये था कि जाहिलियत के वक्त जो कोई पत्थर नज़र आता हम उसे उठा लेते, सफ़र में साथ रख लेते, उसकी इबादत करते, और रास्ते में उससे बेहतर और उससे खूबसूरत कोई पत्थर नज़र आता तो पहले पत्थर को फेंक देते और दूसरे पत्थर को उठा लेते कि ये उससे ज़्यादा खूबसूरत है, ये हमारा इलाह बनने के काबिल है, नऊद बिल्ला। कहते हैं कि जब पत्थर नज़र नहीं आता तो हम मिट्टी एक जगह करते, मिट्टी का छोटा सा कुप्पा बनाते, उस पर बकरी या ऊँटनी का दूध दोहते और फिर उसकी इबादत करते। हमारी निगाह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यही हकीकत थी, नऊज़ बिल्लाह। लेकिन हम पर ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि उसने हमारे दीन को महफूज कर दिया हर एतबार से। यहाँ तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तरक्तुकुम अला महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों, मैंने तुम्हें एक वाज़ेह और रोशन शाहराह पर छोड़ा हुआ है, लैलुहा कनहारिहा, वो राह इतनी रोशन है कि उसकी रात भी दिन की तरह मुनव्वर है, ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, उस रास्ते से वही इंसान मुँह मोड़ सकता है जो ख़ुद को हलाक करने वाला हो। ये दीन हमारे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। इससे बड़ी नेमत मेरे और आपके लिए इस दुनिया में कोई नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दीन इस्लाम से नवाज दिया। अल्लाह ने कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज से 1450 साल कबल अल्लाह ने इस आयत को नाजिल किया और अल्लाह ने कहा आज के दिन हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। दीन क्या मुकम्मल हुआ कि हमारी सारी नेमतें तुम पर मुकम्मल हो गई। जो अल्लाह की बड़ी नेमतें इस दुनिया में तुम पर हो सकती थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस नेमत को तुम पर नाजिल कर दिया। अब इस नेमत के अलावा कोई और ऐसी नेमत नहीं है जो दीन की शक्ल में मेरे और आपके लिए मुयस्सर हो। इस दीन के अलावा अगर हम आड़ी बाड़ी घूमने की कोशिश करें, कोई और दीन लेकर आए, तो वो दीन मुझसे और आपसे काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ने कहा वमन यबतगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। तुम दीन इस्लाम के अलावा दूसरा दीन लाओगे, वो दीन तुमसे कबूल ही नहीं किया जाएगा, तुम्हारे मुँह पर मार दिया जाएगा। ये एक ही रास्ता है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यस्मअु बिअहदिन मिन हाज़िहिल उम्मह यहूदिय्युन वला नसरानी सुम्मा यमूत वलम यु'मिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान। इस उम्मत का जो कोई आदमी हो, यहूदी हो, नसरानी हो, चाहे जो हो, उसने मेरे मुताल्लिक़ सुना हो और मुझ पर ईमान न लाए, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार, वो आदमी जहन्नमी है, जहन्नमियों ही में उसका ठिकाना है। तो दीन इस्लाम ये मेरे और आपके लिए अजीम नेमत है। इस दीन की हिफाजत बेहद ज़रूरी है। इस दीन की हिफाजत नहीं होगी तो फिर नतीजा वही होगा जो कुफ्फार मक्का का हुआ करता था, नतीजा वही होगा जो आज बहुत से मुसलमानों का हो चुका है। वो भी उन्हीं की राह पर निकले हुए हैं। कभी किसी दरख्त को बाबरकत समझकर उसकी इबादत करते हैं, कभी किसी कुब्बे की इबादत करने लग जाते हैं, कभी किसी छलावे की इबादत करने लग जाते हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक सही सालिम दीन अता कर रखा है इस दुनिया की कामिल नेमत के तौर पर। मेरा और आपका दीन कैसे महफूज रह सकता है, मुख्तसर से अंदाज में 4-5 बातें कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सबसे पहली चीज़, मेरा और आपका दीन उस वक्त महफूज रहेगा जब हम दीन को गुलू से यानी ख़ुद से ज़्यादती से बचा देंगे। जहाँ दीन में गुलू पसंदी हो, दीन की शक्ल बदल जाएगी। गुलू पसंदी ही की वजह से इस दुनिया में शिर्क वजूद में आया कि लोगों ने किसी भी चीज़ को उसके हक़ से ज़्यादा रुतबा देने की कोशिश की। जहाँ किसी भी चीज़ को उसके हक़ से ज़्यादा देने की बात आ जाए, वहाँ दीन की शक्ल बदल जाएगी, दीन महफूज नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले में कहा इन्नद्दीन युस्रुन वलन युशद्दद्दीन अहदुन इल्ला गलबा। दीन आसान है, आसानी से उस पर अमल करते रहो। जहाँ तुम सख्ती करोगे, गुलू करोगे, तुम दीन पर अमल नहीं कर पाओगे, दीन तुम पर गालिब आ जाएगा। खवारिज ने दीन में सख्ती की, गुलू किया, कबीरा गुनाह को खारिज मिल्लत करार दिया कि जो इंसान कबीरा गुनाह का इख्तियार करे वो दीन इस्लाम से निकल जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि खवारिज का मामला ये है कि ये दीन से ऐसे ही निकलेंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। लोगों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुलू किया, नतीजा क्या निकला कि नऊदु बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को रब के बराबर करार दिया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा ला तुतरूनी कमा अतरत नसारा ईसा इब्न मरियम इन्नमा अना अब्दु फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। आप अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी शान में वैसा बढ़ावा मत करो जैसा ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान में बढ़ावा किया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ तो मुझे अल्लाह का बंदा कहो, उसका रसूल कहो, यह मेरा मर्तबा है। इसी में नबी अलैहिस्सलाम का एहतराम है, इसी में नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त है। अगर आप अलैहिस्सलाम की शान आपके मर्तबे से बढ़ा दी जाए तो आप अलैहिस्सलाम का मर्तबा बताना नहीं होगा, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुस्ताखी होगी। इसी तरह उलमा की कदर करें। अल्लाह ने उलमा के ज़रिए इस दीन की हिफाजत कर रखी है। जहाँ उलमा की कदर ख़त्म हो जाएगी, वहाँ ये दीन भी हमारे हाथों से निकलता चला जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले में कहा इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतज़ाअन यंतज़िअहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा हत्ता लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला फसुइलू फ़अफ़तू बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक झटके से लोगों के दिलों से इल्म नहीं उठाएगा, बल्कि उलमा को उठाने के साथ साथ इस ज़मीन से इल्म उठा लिया जाएगा। आलिम मरेगा, उसके साथ उसका इल्म चला जाएगा, दूसरा मरेगा, उसका साथ उसका इल्म चला जाएगा। किताबें महफूज होंगी लेकिन लोगों के दिलों में जो इल्म होता है वह इल्म ख़त्म होता चला जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक आलिम भी बाकी नहीं रहेगा। लोग क्या करेंगे? जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। फ़अफ्तौ, लोग उनसे सवाल करेंगे और ये बग़ैर इल्म के फतवा देने लग जाएंगे। नतीजा क्या निकलेगा? फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह कर डालेंगे। तो हमारी दीन की हिफाजत उलमा की हिफाजत में है। हम आलिम को उसका मकाम दें, हमारे दीन के मुआमलात में आलिम से रुजू करें। अल्लाह ने कहा कि फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुन्तुम ला तअलमून, तुम ना जानते हो मसला नहीं है, उलमा से सवाल किया करो। अक्ल के घोड़े न दौड़ाओ। जहाँ आदमी अक्ल के घोड़े दीन के मामले में दौड़ाए उसका नतीजा गुमराही के अलावा कोई और नहीं हुआ करता। आखिरी बात कि बिदअत से इज्तनाब करें। बिदअत दीन की शक्लों को बदल दिया करती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर खुतबे में बात ज़रूर इरशाद फरमाया करते, फ़इन्न ख़ैरुल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फ़िन्नार। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते सबसे बेहतरीन बात अल्लाह का कलाम, बेहतरीन रास्ता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता, और इस दुनिया का सबसे बदतरीन काम दीन के नाम पर नई चीज़ का ईजाद कर लेना। और हर ईजाद करदा चीज़ बिदअत है, हर ईजाद करदा चीज़ बिदअत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हसना और सय्या की तफरीक नहीं की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह, हर चीज़ जो दीन के नाम पर ईजाद कर ली जाए बिदअत है। हर बिदअत का ठिकाना और हर बिदअत का नतीजा गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला इससे हमारी हिफाजत करे। हमारे दीन का महफूज रहना हमारी कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी है, और दीन इस्लाम हमारे दीन की हिफाजत का ज़िम्मा लिए हुए है। उसने कुछ कवायद बताए, कुछ रास्ते, कुछ तरीक़े बताए। मैं और आप उन रास्तों और तरीक़ों पर चलते रहे, हमारा दीन महफूज होगा। जहाँ कहीं हम दीन इस्लाम के इन कायदों को छोड़ दें, हमारी दीन की असल शक्ल बदल जाएगी। जहाँ असल शक्ल बदल जाएगी, इस दुनिया की सबसे अजीम नेमत हमारे हाथ से निकल जाएगी। इस्लाम के अलावा कोई और दीन हमारे हाथ आ जाएगा, और उस दीन का नतीजा क्या होगा? अल्लाह ने कहा वमन यबतगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, तुम इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर आओ, अल्लाह नहीं कबूल करेगा, तुमसे कबूल ही नहीं किया जाएगा, वो दीन तुम्हारे मुँह पर मार दिया जाएगा। तो ये अज़रूरियात अल-ख़म्स इंसानी ज़िंदगी की 5 बुनियादी ज़रूरतों में से सबसे पहली ज़रूरत थी जिसका महफूज रहना अमन व अमान के लिए बेहद ज़रूरी है, वो है दीन की हिफाजत। आने वाले दर्स में दूसरी ज़रूरियात पर गुफ्तगू की जाएगी। दुआ है कि इलाहुल आलमीन तो हमारे माशरे में अमन व अमान बाकी रख, हमारी ज़रूरतों की हिफाजत फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।